एमजीओ की वीडियोस को डब करके दिखाओ, चलो डब करके दिखाओ। भाई साहब अंदर वैक्सीन लग रही है क्या? बोलते ही नहीं है। आप भाई साहब लगवाने आए हैं? और आप भाई साहब, आप क्या करने आए यहाँ? वैक्सीन बनाने आए हैं। क्या? हम यहाँ वैक्सीन बनाने आए हैं। तो चिल्ला कह रहे हैं, फिर आराम से बोलिए। कहे कि तुमको सुनाई नहीं देता, कानपुर में हड़ताल है तुम्हारे। कानपुर में तो हड़ताल नहीं है, लॉकडाउन है कल से। क्या? हमारे कानपुर में कोई हड़ताल नहीं है। देखो बेटा ऐसा है, मारेंगे चार गिनेंगे दो, फिर बैठ के रोना भौं 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 भौं। बस हो गया। तो ऐसी डबिंग हमारे यहाँ उचित दामों पे की जाती है, अगर आपको भी कराना है तो संपर्क करें हर संडे। सो गाइस आर यू रेडी फॉर मैड मंडे? मैड मंडे, हे मैड मंडे, मैड मंडे। तो चलिए देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। हाँ। स्कूल में एक्सरसाइज कैसे करते हैं, करके बताओ प्लीज भाई। देखो जो हमारा स्कूल था ना, सरस्वती विद्या मंदिर, बहुत ही अनुशासित स्कूल था। वहाँ पे सुबह सुबह पहले प्रार्थना होती थी, फिर लंच के टाइम पे भोजन मंत्र होता था। अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है, ये पूरा होता था। फिर 4 बजे छुट्टी होती थी, उसके बाद 15 मिनट पीटी होती थी, फिर उसके बाद वंदे मातरम होता था, फिर छुट्टी होती थी। और पीटी कुछ इस प्रकार होती थी। हमारे स्कूल में 5 पीटी होती थी, 1 2 3 4 5। सारा मिक्स करके दिखा देता हूँ, एक एक करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फर्स्ट ऐसे होता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। भैया जी ये बांसुरी कहाँ से बजाना सीखे, हमें भी सिखा दो तभी हम आपका चैनल सब्सक्राइब करेंगे। बांसुरी, बांसुरी मैंने सीखी है अपने माननीय श्री श्री 1,72,512 बार मना कर देने वाले ऐसे माननीय श्री गुरुजी, मैंने खुद से ही सीखी है, क्योंकि किसी में हिम्मत ही नहीं थी कि मुझे सिखा दे। फिर मैंने प्रण लिया, अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, अब मैं खुद से बजाना सीखूंगा। और देखो आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि आप मुझसे बांसुरी बजाना सीखना चाह रहे हैं। सारे मिल गए हमको पागल बना। तो ये कला मैं आपको भी सिखा देता हूँ, नो इशू, यूज टिश्यू, क्योंकि इसको सुनने के बाद आपके आंखों से आंसू निकलेंगे। तो मैं आरंभ करता हूँ, अपने अपने कान बंद कर लो। गुरु दक्षिणा दे देना, UPI ID है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है? भाई स्टैंड अप कॉमेडी करके दिखाओ। स्टैंड अप कॉमेडी? यार बैठ के तो मुझसे कॉमेडी होती नहीं है, खड़े होके करूंगा तो और लीक हो जाएगी, बट फिर भी आई विल ट्राई माय बेस्ट, लेट्स डू इट। तो जब मैं कक्षा 3 में था तब मुझे डॉक्टर बनना था, फिर मैं 5वीं में गया तो मुझसे किसी ने बोल दिया कि डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, एक तो इतनी पढ़ाई करो, ऊपर से काटा पीटी अलग से करो, मुझे नहीं बनना डॉक्टर। फिर मैंने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं। फुल एंड फाइनल डिसीजन था इंजीनियर बनने का। फिर इंजीनियर का ख्वाब लेके आगे बढ़े, 10वीं में पहुंचे, तो फिर किसी ने बोल दिया कि इंजीनियर बनने के लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है। मैंने कहा ये तो बहुत गलत बात है, हर जगह पढ़ाई करते रहो, ये नहीं माना जाएगा। फिर एक बंदा आया, उसने मुझको देखा और बोला, तेरी हाइट बड़ी है, एक काम कर पुलिस में भर्ती हो जा, अगर तूने उसमें दौड़ निकाल ली ना तेरी जॉब पक्की है। मैंने कहा यार सही है ये तो, दौड़ो और जॉब। फिर मैं 4 महीने दौड़ा, फिर वो दिन आया जब मुझे दौड़ना था पुलिस की भर्ती में। मेरी दौड़ तो निकल गई, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसमें भी एग्जाम होता है, फेल। फिर पहुंचे 12वीं में, फिर तब तक तो सब कुछ बन ही चुके थे, डॉक्टर इंजीनियर ऑलमोस्ट, ये पुलिस भी बनने वाले थे ऑलमोस्ट, बस थोड़े से बाकी रह गए, अगर उसने बता दिया होता एग्जाम भी होता है तो आज मैं पुलिस में होता। फिर 12वीं बैठे, समझना है क्या करें। फिर मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, ऑटो खरीद लेते हैं, 3 गियर रहता है, घुड़ुम भुड़ुम भुड़ुम चलाओ, मस्त आराम से ज़िंदगी कट जाएगी। तो ये सब तो कुछ हुआ नहीं, एक पागल दोस्त अलग से मिल गया, ज्ञानी। वो अजीब अजीब ज्ञान देता था भाई मेरे को, बोलता था तेरे को पता है अगर तू 1 रुपये का सिक्का ट्रेन की पटरी पर फेंक दे और ट्रेन उसके ऊपर से गुजर जाए तो चुंबक बन जाएगा। मैंने कहा अच्छा, कहता हाँ।
और उसी ने मुझको ये भी बताया था कि तेरे को पता है जो बड़े डॉक्टर होते हैं ना उनका MBBS में सबसे ज्यादा नंबर आता है, तब वो जाके हार्ट सर्जन, ये सर्जन, वो सर्जन उसके स्पेशलिस्ट बनते हैं, और जिनका उससे कम नंबर आता है वो दांत के डॉक्टर बन जाते हैं, डेंटिस्ट, और जिनका उससे भी कम नंबर आता है वो बाल तोड़, बवासीर, ये सब के डॉक्टर बन जाते हैं। फिर मैंने कहा जो फेल हो जाते हैं उनका क्या होता है, तो बोलता है कि वो फिर वही स्टेट बैंक के पीछे राज दवा खाना, गुप्त रोगी मिले हर सोमवार मंगलवार। भाई अगर मैं आपको BMW कार गिफ्ट करूंगा तो आप मेरे लिए क्या करोगे? तो हर रोज मैं आपके पास पेट्रोल का पैसा मांगने आऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि उसमें पेट्रोल डाल के घूमूं मैं। इतनी बड़ी गाड़ी छोड़ो, एक वन प्लस ही गिफ्ट कर दो यार, गेमिंग स्टार्ट करनी है, पैसे इकट्ठा कर रहा हूं मैं। मजाक कर रहा हूं, सीरियसली मत ले लेना, वैसे अगर देना चाहो तो दे सकते हो, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है। बहुत दिनों के बाद मैडम अंडे लेकर आए। मैडम अंडे, वाह भाई, मैड मंडे है वो, मैड मंडे, पागल सोमवार। मुझे पता है आपको सब पता होता है, लेकिन जानबूझ के मेरी खिंचाई करते रहते हो। वैसे अच्छी बात है, खिंचाई करने से क्या भाईचारा और दोस्ती बनी रहती है ना। और खिंचाई से याद है जब मैं छोटा था ना, और मेरी दीदी मेरे को बुलाती थी, ए विकास इधर आ, और मैं एक बार मैं नहीं सुनता था तो दीदी एकदम गुस्से में बुलाते थे, ए विकास चिकास इधर आ। तो आप लोग बताओ कि आप लोगों के घर वाले जब गुस्से में आपको क्या बुलाते हैं, अपना नाम लिखो और जो बुलाते हैं वो भी लिखना, ठीक है? ये आवाज कहाँ से पाई? जब पैदा हुए थे तो किसी ने मिर्ची खिला दी थी क्या? अरे नहीं यार, ऐसा थोड़ी ना होता है, मिर्ची खाने से आवाज थोड़ी फटती है, मिर्ची खाने से तो हाँ वो फट जाती है। ऐसी आवाज प्रैक्टिस कर करके हुई है भाई, नहीं तो जब मैं छोटा था ना मेरी आवाज बहुत पतली थी एकदम लड़कियों की तरह। बहुत सारे रॉन्ग नंबर से मेरे पास फोन आते थे और आधे आधे घंटे मेरे से बात करते रहते थे। हेलो कैसी हो? मैं भी मस्त, कुछ काम रहता नहीं था। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस इस सब में टाइम बीता है बचपन हमारा, और क्या। भैया ज्यादा मिंटोस खाने से दिमाग की बत्ती फ्यूज भी हो जाती है क्या? बहुत ही गंभीर सवाल है भाई साहब आपका। देखो अगर एक मिंटोस खाओगे तो दिमाग की बत्ती चलेगी, दो खाओगे तो दिमाग का पंखा चलेगा, तीन खाओगे तो लैटरिन की लाइट जलेगी, चार खाओगे तो बाथरूम की लाइट जलेगी। अगर ऐसे सारे अप्लायंसेस चल गए उसके बाद भी खा लिए तो ब्लास्ट हो सकता है भाई साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैडम जी मैं तेरा भाई नहीं है, धीरे चल कोई घाय नहीं है। बहुत हार्ड तू लटका के झटका के चलती है भटका के ध्यान में। तो यार बस आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, नहीं पसंद डिसलाइक करो, ऐसा तो नहीं जान दूंगा। और हाँ इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनका तो फॉलो करें। चलो मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। मैं सोच रहा था जाते जाते स्टैंड अप सिंगिंग भी कर दो थोड़ी सी, तो चली हवा चली शहर के आर पार, तू ना जाने मैं ना जानू मैं ना मानू हार। वक्त ने है किया हम पे कैसा सितम, तुम भी बेजार हो बर्बाद है हम, जाने किस रास्ते मुझको ले जाएगी गर्दिशा ये मेरे लड़खड़ाते कदम।